नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। बहुत दिन से बच्चे कह रहे थे कि सर ये जो ASI LDC जो सूबेदार स्टेनोग्राफर LDC स्टेनोग्राफर जो एक पुलिस में जॉब निकलती है, आपको पता है ASI मतलब ASI का तो एक SI की जॉब डायरेक्ट होती है, एक होती है ASI की। ASI में हमेशा जॉब होती है कंप्यूटर से रिलेटेड होती है, काफ़ी अच्छी जॉब मानी जाती है। तो हमने इसके लिए भी कोर्सेस लॉन्च किए हैं, अगर आपको इस पर एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 7827 2822211, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके ASI लिख करके आप एडमिशन ले सकते हैं। जो भी उसके चार्जेस हैं, जो भी फीस हैं, आप वहाँ बता दी जाएगी और आप उसको करिए। इससे बेनिफिट ये होता है आपको कि एक तो डायरेक्ट आप एक वेक स्टार की वैकेंसी पे सीधे जाते हैं और इसके लिए ज़्यादा योग्यता की आवश्यकता नहीं। बता दे रहा हूँ आपके लिए क्या क्या चाहिए इसमें। तो पहले इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं हम कि क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, कैसे हम तैयारी करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों, देखते हैं। ये पेपर हुआ था 7 अक्टूबर 2017 को 9 बजे का पेपर है। तो ये है मध्य प्रदेश में किस वर्ष इकबाल पुरस्कार स्थापित हुआ था, आपको पता 1986-87 हुआ था। इसके अलावा 15 राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, 1994 में किया गया था। जबलपुर का ध्वज सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये किया गया था आपको पता 1923 में किया गया था। ठीक है, सारे क्वेश्चन का जवाब देते जा रहा हूँ, आप देखिए आप अच्छे से। इसके अलावा आप निम्नलिखित में किस खेल में वर्षा बर्मन जुड़ी हुई है, देखिए वर्षा बर्मन की बात की थी, भाला फेंक, कुश्ती, निशानेबाजी, तैराकी। 100% श्योर है कि MP से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है स्पोर्ट से, ये निशानेबाजी से जुड़ी हुई है, जो है वर्षा बर्मन है। ठीक है, निशानेबाजी याद रखेंगे आप। इसके अलावा अगला हमारा GS क्वेश्चन है, भारत भवन के वास्तुकार कौन है, बार बार क्वेश्चन पूछ चुका है, चार्ल्स कोरिया है इसके। इसके अलावा इसमें है कि निम्नलिखित कौन सा पर्यटन स्थल इंदौर में स्थित है, ठीक है, विच आर द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेस इज आर सिचुएटेड इंदौर। आपको पता है इसमें से एक तो छतरीबाग और आपका पता है आपका एक है देवताल, एक है दोनों। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो आंसर था ये छतरीबाग, आप जाएंगे जब इंदौर में तो वहाँ पर आपको छतरीबाग मिलेगा। एक है कालीदह महल कहाँ स्थित है, धार में, पचमढ़ी में, भोपाल में, उज्जैन, तो उज्जैन में है कालीदह महल। इसके बाद बात करेंगे बोरी वन्यजीव अभयारण्य का कौन सा वनस्पति पाया जाता है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ क्वेश्चन था, लेकिन अगर जो लोग थोड़ा सा भी अगर इसके बारे में अवेयर थे उनको अच्छे से पता है यहाँ पर बांस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद अनिल काडोकर को पद्म भूषण पुरस्कार कब सम्मानित किया गया, ये बहुत सारे पुरस्कारों से भी संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं 2009, और इसलिए क्योंकि ये जो भी लोग संबंधित होंगे भारत के खासकर मध्य प्रदेश से उनके संबंधित चीज़ें पूछ जाती हैं। रमेश चंद लाहौटी भारत के कौन थे, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, 35वें भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, इसके अलावा बात करें बॉलीवुड की पार्श्व गायिका ममता शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, अभी ममता शर्मा एक्चुअली ग्वालियर से हैं इसलिए इनसे पूछा गया। तो ग्वालियर से जो भी लोग हैं, जबलपुर से जो लोग हैं, आपको पता है इंदौर से भी हैं, तो आपको खंडवा से आपको पता है कि किशोर कुमार साहब, ठीक है, और ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में जानना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। इसके अलावा नरवर किला विंध्य पर्वत श्रेणी में स्थित है, ये जानना है। कौन संभाग अधिकतम संख्या है, अधिकतम जो कौन संभाग में अधिकतम जिले हैं, तो वैसे दो जिले हैं लगातार पर इंदौर में ज़्यादा है। नर्मदा नदी के किस ओर सतपुर टाइगर रिजर्व है, अब ये देखिए ये प्रश्न आप उठा के देखेंगे तो लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है, दक्षिण में स्थित है। और इसके बाद है मांडू का जहाज महल, ये PSC में क्वेश्चन पूछ चुका था, ये अफगान वास्तुकला के एक अच्छा उदाहरण है जो मांडू का जहाज महल है, आपको पता है। इसके बाद बात करेंगे पेंच बाघ अभयारण्य किन जिलों में स्थित है, तो पेंच अगर बात करें तो सिवनी और छिंदवाड़ा में स्थित है। इसके बाद CK नायडू टेस्ट मैच है, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, फर्स्ट कप्तान थे CK नायडू, याद रखिएगा। तो यहाँ से मध्य प्रदेश कितने ज्योतिर्लिंग है, आपको पता है 2 ज्योतिर्लिंग, एकमात्र एक ऐसा राज्य जहाँ पर 2 ज्योतिर्लिंग अवेलेबल है ना। धार के भोसाला मंदिर के देवी की छवि अब क्या है, एक लंदन के एक संग्रहालय प्रदर्शित की गई, तो ये जो धार का भोसाला का मंदिर है ना वहाँ की। इसके अलावा है 21 ऐतिहासिक पुस्तक में कहा गया कि चंदेरी से लगा 3 कूरो मतलब 3 कूरो 6 मील, मतलब 1 कूरो होता है कितने का, 2 मील का, एक छोटी नदी बेतवा थी, तो ये बात बाल करी है बाबरनामा में कहा गया था, मैं आपको बता दिया। 1956 में मध्य प्रदेश के पुनः संगठन के समय राज्य में कितनी बड़ी योजनाएं थी, इसमें ऑप्शन है 4, 2, 3, 1 और इसका करेक्ट आंसर होगा 3, याद रखिएगा। ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ, अब मैं आपको बताऊँ ओमकारेश्वर इसलिए पूछा, एक तो ओमकारेश्वर आपको अच्छे से पता है कि यहाँ एक ज्योतिर्लिंग है, दूसरा उज्जैन में है ना, तो ये पूछा कि इसमें एक परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये इंदिरा सागर परियोजना के 40 किलोमीटर अनुप्रवाह में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को किस वर्ष में स्थापित किया गया था, 2000 में। अच्छा, निम्नलिखित कौन सी चंबल नदी की उपनदी है, पार्वती। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किसके बीच में स्थित है, तो बांधवगढ़ और एंड कन्ना नेशनल पार्क के, कान्हा नेशनल पार्क के पास में आप जाएंगे तो वहाँ पर मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। ये हो गया जनरल, क्या होगा हमारा
मतलब जीके के पे, तो 25 नंबर की आपकी जीके आएगी इसमें। जरा हिंदी की बात करें, नाच नचाना का मुहावरे का बहुत आराम से परेशान करना, किस विषय को विशेष रूप से जानने वाला को क्या कहते हैं, विशेषक कहते हैं, जलज के पर्यायवाची, तो ये इस प्रकार से विलोम शब्द, ठीक है, और संधि विच्छेद, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इस प्रकार से ये सारे प्रश्न, मतलब लगभग हिंदी के भी काफ़ी अच्छे प्रश्न इसमें आएंगे। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि मैंने 25 क्वेश्चन आपको बताया किसके आएंगे, 25 क्वेश्चन आपको मैंने जीके, 25 क्वेश्चन हिंदी, ठीक है। बर्तनी की दृष्टि शुद्ध शब्द कौन है, ईर्षा है, पत्नी, कवित्री, तो इसमें शत्रुघ्न है, इसका जनरल मैथ आती है। तो 25 50 हो गए। अब मैथ की बात करें तो मैथ में बहुत सामान्य मैथ पूछता है, कितने समय किसी मूलधन का साधारण ब्याज सीधे पूछा है कि वार्षिक ब्याज दर से मूलधन का 3/8 गुना हो जाएगा, बहुत आसान प्रश्न है। इसके अलावा बड़ी भिन्न कौन सी, छोटी भिन्न कौन सी, मैं बता दूं आपको कि अगर आपने थोड़ी भी ढंग की अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, कोई भी ऑनलाइन क्लासेस, खासकर हमारे अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसका बेनिफिट का मतलब है कि हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाता है सिर्फ और सिर्फ वर्ड टू वर्ड पढ़ाया जाता है, और सिर्फ व्याकरण के लिए पढ़ाया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि हम आपकी कोई वीडियो का इधर सुधर करें, कि या जो व्याकरण की वीडियो व्याकरण में ही जाएगी, ठीक है, और उसके लिए उसी के पर्सपेक्टिव से बनाई जाती है। तो क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ का प्रश्न जो लेवल भी होता है बहुत एक प्रकार से लोअर होता है, साथ ही साथ एक तरीके से अगर स्टडी हो जाए और सिलेबस तरीके से कम्प्लीट हो जाए तो आप आराम से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं, डायरेक्शन संबंधित, मीटर से संबंधित, ये सब है। तो कुल मिलाकर के इसमें क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आएंगे आपके, किसके, मैथ्स के। बस इसका जनरल कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है इसमें, तो बहुत आसान से क्वेश्चन भी इसमें, ऐसा नहीं है। जैसे मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे देखिए फोटो पैराग्राफ को सेंटर में लाने के लिए शॉर्टकट की है, आपको बस कंट्रोल और ई दबाएंगे तो क्या पैराग्राफ सेंटर में आ जाता है। अच्छा, यूएसबी का पूरा फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, आपको पता है। पेजिंग की अवधारणा किससे संबंधित है, तो मेमोरी जो मैनेजमेंट पद्धति होती उसी से पेजिंग बनता है। इसके अलावा निम्न के कौन से आईपी एड्रेस रोज नहीं बदलते, आपको पता है कि जो स्टैटिक आईपी एड्रेस होते कभी नहीं बदलते हैं। इसके अलावा है निम्न के कौन से, तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन होंगे लगभग कितने आपके, ये जब लगभग जाएंगे करीब आपके 20 से 25 क्वेश्चन इसमें भी आपको पूछना ही पूछना है। तो इसलिए आप भी इसकी भी तैयारी आपको अच्छी, क्योंकि आप कंप्यूटर के लिए जाएंगे तो जरूरी कि आपको 25 क्वेश्चन इसमें से वो एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। लेकिन एएसआई के एग्जाम में 25 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, क्यों, क्योंकि ये पर्टिकुलर उसी के लिए है। तो इसलिए आपको कंप्यूटर आपको अच्छे से करना है, और कंप्यूटर की क्लासेस जो हैं हम बहुत तरीके से प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से कवर कर पाएँ, क्योंकि इसमें कंप्यूटर ही है जो आपको सीधे एग्ज़ाम में सीधे आगे निकाल पाता है। तो यहाँ पर ये मैंने दिखा दिया क्वेश्चन, आप देखिए 40 क्वेश्चन आएंगे आपके किससे, कंप्यूटर से। तो अब हम एक बात आता हूँ, देखिए आपका 25 आई जीके, ठीक है, 25 आई आपकी क्या, हिंदी, 10 आई आपकी मैथ, कितना हो गया 25 25 50 60, प्लस 40 आ गई आपकी क्या, कंप्यूटर। तो ये है आपका सिलेबस, क्या क्या करेंगे आप सिलेबस में, आपके लिए जो एएसआई का बैच होगा उस पर क्या करा जाएगा, कंप्यूटर प्लस हिंदी प्लस जीके प्लस मैथ, अर्थात 10 नंबर की गणित, 10 नंबर का 25 नंबर का सामान्य अध्ययन, 25 नंबर की आपकी सामान्य हिंदी, और 40 नंबर का कंप्यूटर। ये सिलेबस आपका है, इस सिलेबस को कवर करिए आप। जो लोग भी एएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, और बहुत बढ़िया रिपोर्टेड जॉब होती है एएसआई की, क्यों, क्योंकि आप कहीं दौड़ना भागना होता नहीं है, बढ़िया आप एक जगह बैठ के पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट ट्रैक करते हैं, ठीक है, अगर डिपार्टमेंट के हेड में बैठ गए तो वहाँ से पूरा का पूरा स्टेट ट्रैक करते हैं, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए मैं अगले बार फिर से मिलूँगा, कुछ और नई चीज़ जानकारी मिलकर निकाल कर लाऊँगा, तब तक आप इसको ध्यान रखें। और जिनको एडमिशन लेना है क्लास के लिए, एएसआई की ज्वाइन करना है, तो व्हाट्सअप नंबर है 7827282211, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, उसमें लिख दीजिए एएसआई की, मतलब प्रिपरेशन करनी, ठीक है। चलो दोस्तों, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।